ये हमारा सेटअप है म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट का विद बैलिस्टिक लोनोमीटर। हमने क्या करना है, सबसे पहले बैलिस्टिक लोनोमीटर को लेवल करना है और 1 मीटर डिस्टेंस पे हमने लैंप एंड स्केल को रख के उसको लाइट डालनी है ताकि हमें स्पॉट मिल सके। ठीक है सर, सबसे फर्स्ट काम तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हमने बैलिस्टिक लोनोमीटर को इनपुट देनी है किट से। ये 2 टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ से इसको इनपुट देनी है और इसको स्विच ऑन करना है। ठीक है सर, इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा एक्सपेरिमेंट का क्या है, हमने इसको 1 और 2 को कनेक्ट करना है, उसके बाद 3 और 4 को कनेक्ट करना है। ठीक है सर, हमने इसको, ये हमारा सेंसिटिविटी कंट्रोल का पोर्ट है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, फुल सेंसिटिविटी यहाँ पे है। हमने इसको प्रेस करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन आएगी हमारी। ठीक है सर, ये वाली, तो इस डिफ्लेक्शन को हमने ऐसा सेट करना कि वो 20 और 25 के बीच में हमारी रीडिंग हमारे को मिले। इसको 0 कर सकते हैं दोबारा से, हम इधर से इसे दिखाओ ना, ये 0 कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमने इसको डिफ्लेक्शन देनी है, ये हमारी डिफ्लेक्शन कम है थोड़ी सी, हम इसको दोबारा 0 करेंगे। दोबारा 0 करने के बाद इसको थोड़ा और सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर इसको दबाएंगे, ये हमारी डिफ्लेक्शन आ गई हमारी लगभग 20 सेंटीमीटर। हमने प्रेस को, इस की को प्रेस करना है और होल्ड रखना है ताकि हमें सेकेंड थ्रो दोबारा मिल सके। ये हमारा सेकेंड थ्रो आ गया लगभग 4.5 सेंटीमीटर पे, फर्स्ट थ्रो हमारा 20 सेंटीमीटर पे आया था। ठीक है सर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया एक्सपेरिमेंट का। पार्ट में हमने 1 और 3 को कनेक्ट करना है और 2 और 4 को कनेक्ट करना है, और हमने ये रेजिस्टेंस जो है R हमने 0.1 पे सेट करनी है। उसके बाद हमने दोबारा इसको 0 सेट करना है ग्लोनोमीटर को, ये दोबारा 0 पे, ये प्रेस की K2 से हमने सेट करना है इसको। ठीक है, 0 आ गई। उसके बाद हमने फिर इसको डिफ्लेक्शन दी, ये डिफ्लेक्शन को हमने कंट्रोल करना है ताकि वो डिफ्लेक्शन हमारी जो स्केल पे है वो 5 और 10 सेंटीमीटर के बीच में आए फर्स्ट 0.1 रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है सर, ये 0 कर लिया दोबारा हमने, और इसको फिर हमने डिफ्लेक्शन दी, ये हमारी डिफ्लेक्शन आई है लगभग 14 के आसपास, लेकिन फिर इसको हम 0 करेंगे और थोड़ा सा कम करेंगे सेंसिटिविटी को। उसके बाद फिर हम इसको डिफ्लेक्शन देंगे, ये हमारी आ गई लगभग 12 के आसपास, 12 के बाद हमने 0 सेट कर दिया इसको। फिर उसके बाद हमने ये रेजिस्टेंस बढ़ानी है और 0 सेट करने के बाद फिर इसको डिफ्लेक्शन देनी है, वो डिफ्लेक्शन हमारी ये आ गई 15 के आसपास। ठीक है सर, ये बढ़ गई हमारी डिफ्लेक्शन 0.2 के ऊपर। उसके बाद फिर हमने इसको 0 सेट करना है, ये 0 सेट होगी हमारी दोबारा। उसके बाद हमने 0.3 पे इसको रखना है और फिर 0 सेट करने के बाद फिर इसको क्लिक देनी है, ये डिफ्लेक्शन आ गई हमारी 20-21 के आसपास। ठीक है सर, तो ऐसे हमारी डिफ्लेक्शन जैसे इसको बढ़ाएंगे हमें बढ़ती जाएगी, यही हमारा एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मैनुअल में दिया हुआ है सारा, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है।